छात्रों, कक्षा 9वीं में हमारा अध्याय 3 परमाणु और अणु इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अणु भार किसे कहते हैं। तो अब अणु भार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको अणु सूत्र उत्तर के बारे में मालूम होना चाहिए कि अणु अणु क्या है। तो कोई भी जो परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह से जो अणु बनते हैं तो उसको बोलते हैं अणु। तो जैसे कि एक उदाहरण आप ले सकते हो, उदाहरण है पानी। पानी का एक अणु का जो सूत्र है वो H2O है। तो अणु भार क्या होगा कि किसी भी अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, किसी भी अणु में भाग लेने वाले सभी परमाणुओं की संख्या को, उस अणु का अणु संख्या के योग को, परमाणुओं की संख्या के योग को हम उस अणु का अणु भार कहते हैं। तो उदाहरण देखिए आप, जैसे पानी का एक अणु, है ये जल। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, ये 2 लिखा है, और ऑक्सीजन का एक। तो हम देखेंगे कि यहां पर परमाणुओं की संख्या के भार को, ये थोड़ा सा वो हो गया है, संख्या जितने भी परमाणु हम भाग ले रहे हैं उसके परमाणुओं के भार को, जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पर देखते हैं एक परमाणु का भार है 1, तो 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है 16। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जल का अणु भार होगा वो कितना होगा, 18। कितना होगा, 18। इसको ग्राम कह सकते हैं, ग्राम में नापते हैं, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो परमाणुओं की संख्या और उसके भार को, उस अणु का क्या बोलेंगे हम, अणु भार कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन होता है दूसरा, कि जैसे मान लो आपने एक ये H2O, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो चारों हैं इनमें, ये जो सूत्र लिखे हैं इनमें परमाणुओं की संख्या बताएं। इनमें परमाणुओं की संख्या बताएं। तो आपको परमाणु की संख्या कैसे गिनना है, जैसे एक, ये 4, पहला है H2O। H2O में कितने परमाणु हैं, परमाणु प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के 2 इसके नीचे, और ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था। तो यहाँ पर कुल कितने परमाणु हैं, 3।
परमाणु हैं, तीन कैसे हैं, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, इस प्रकार ये कितने हो गए, तीन परमाणु। दूसरा है H2S, इसमें कितने परमाणु हैं, तो आप देखोगे हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, सल्फर का एक, इस प्रकार कितने परमाणु हो गए यहाँ, तीन, इनको आप जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार ये तीन परमाणु हैं। तो आपको परमाणु गिनते आना चाहिए। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, यहाँ भी कुल कितने परमाणु हैं, तीन। एक और उदाहरण दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO में कितने परमाणु हैं, आप गिनेंगे मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक, इस प्रकार कितने परमाणु हो गए टोटल, दो परमाणु। और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको कि आपको खुद हल करना है, परमाणु और अणु में अंतर बताइए। धन्यवाद होगा।